हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं अभी आया हुआ हूँ यहाँ पर जोधपुर, और जोधपुर के सबसे फेमस बाग है जो मतलब मंडोर उद्यान के नाम से फेमस है। यहाँ पर आया था मेरे को, मतलब मैं यहाँ पर रुका था मंडोर में ही, तो यहाँ पर मेरे को माइक्रोफोन लाना था लेकिन थोड़ा मैं भूल गया था, तो थोड़ी सी वॉइस कन्फ्यूजिंग आ सकती है। तो अभी मेरे साथ में मेरे सिस्टर है, चाची जी है, वो आगे गए मंदिर में। मैंने कहा मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करके यहाँ से आपको व्यू बताते हुए, यहाँ से स्टार्टिंग होता है जस्ट अभी, यहाँ से ये पूरा मंडोर बाग का है, और यहाँ से अभी ये शायद कोई पुराने ज़माने के देवी देवताओं के भगवानों की साल वगैरह यहाँ पर रखी हुई है जो कुछ इस प्रकार की। मेरे को यहाँ पर आने से पहले, मतलब मैं जोधपुर से आया तो मैंने बोला था कि भाई मेरा जोधपुर जाने का प्लान है, तो मेरे को किसी ने बोला कि भाई तू वहाँ जा कर के आना ज़रूर मंडोर मंदिर। तो शायद इसको रावण मंदिर ऐसा कुछ बोलते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये भाई मंदिर कैसे है। अभी हम चलते हैं, यहाँ पर फेमस मंदिर है जहाँ से बहुत दूर से फूलों की खुशबू भी आती है। यहाँ पर मंडोरवा संग्रहालय से आ गए हैं। अभी हम थोड़ा बहुत यहाँ से पीछे रावण मंदिर, यहाँ पर किसी का पता नहीं मंदिर किसका भैया तो पता नहीं है, और वहाँ से थोड़ा बहुत फोटो शूट वगैरह हो गए और अभी जा रहे हैं ऊपर। सनसेट पॉइंट है वहाँ पर कल जाना था लेकिन कल थोड़ी देर ज़्यादा हो गई, इसलिए अभी जा रहे हैं जस्ट ऊपर जा कर के, जहाँ वहाँ से पूरा ये मंडोर उद्यान पूरा जिसका व्यू पूरा आएगा। तो चलते हैं जस्ट ऊपर। ये मतलब है ये प्राचीन, बहुत प्राचीन किला है जिसके अंदर से ये पूरी अरावली पर्वतमाला है जिसका हमने वो मंडोर संग्रहालय उसके अंदर देखा। ये अभी वो मैप देखा उसके अनुसार ये अरावली पर्वतमाला का ये एक भाग है, जो मतलब थोड़ा सा बाजार दूसरी साइड रह जाती है, और ये पूरा का पूरा जो ये मंडोर संग्रहालय वगैरह आता है। कहते हैं कि यहाँ पर रावण आता ना, रावण उनकी शादी हुई थी यहाँ पर, वो ज़्यादातर यहाँ पर अभी सारे लगभग टूट चुके हैं, मतलब राजा महाराजा के समय में 8वीं 9वीं शताब्दी के समय ये मंदिर थे, तो अभी बिल्कुल ध्वस्त हो गए। इनके सिर्फ ये बस इतने से पिल्लर वगैरह बचे हैं, और बाकी वाले ये मंदिर का काफ़ी देर से इसके अंदर भी मंदिर है, जमीनों के अंदर ये पत्थर के ऊपर ही बनाया गया पहाड़ों के ऊपर। और उधर एक और मंदिर है जो विष्णु भगवान का मंदिर है, और उसके तो आसपास इसके सारे खंडर वगैरह भी पड़े, लेकिन इस मंदिर का अभी पता नहीं कहाँ पड़े। अभी ये इस प्रकार देखे तो ये सारा मंदिर यहाँ से पूरा ये जो यहाँ पर किला वगैरह था वो पूरा ध्वस्त हो गया। अभी कुछ नहीं बता, सिर्फ पत्थर बचे, इसके शिलालेख वगैरह थे तो सारे कुछ काम के थे, वो अंदर संग्रहालय में रख दिए, बाकी वाले ऐसे वैसे पड़े। और ये है मंदिर, और उधर है भगवान विष्णु जी का मंदिर, और वो ऊपर एक सनसेट पॉइंट और है। जस्ट ऊपर थे ना मंदिर में, तो उसके नीचे हमने देखा कि कुछ और पता नहीं गुफा जैसी कुछ बनी हुई है। तो अभी हम यहाँ पर खोजते हमें पता चला यहाँ के अंदर गुफा है, तो अभी हम गुफा के अंदर आ गए हैं, और मतलब क्योंकि इतनी आवाज़ गूंज रही है अंदर जैसा लग रहा है, क्योंकि सारा अंधेरा अंदर है, इसलिए मैंने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके वीडियो बनाया। यहाँ पर दीपक जले हुए, और यहाँ पर भगवान नारसिंह जी का मंदिर है। मंदिर में घुसा वहाँ से था और निकला यहाँ से, यानी कि इस मंदिर के अंदर के भाग में पहाड़ों को काट करके गुफा बनाई गई। यहाँ की भाई प्रथा के अनुसार हमने भी यहाँ पर एक ऐसा घर बना दिया है, हमने कहा भाई घर बनाते, थोड़ा बड़ा ही घर बनाते, ये बना दिया। और अभी शाम भी होने आई है, और यहाँ पर मतलब सारे टूटे पड़े हैं, और इसकी दूसरी साइड जहाँ पर थे पर्वत वगैरह उनको काट काट करके यहाँ से पर्वत ले जाया जा रहे हैं मकानों के लिए वगैरह के लिए, जो भी काम वगैरह होता है उनके लिए यहाँ से कटिंग होते हैं। कहते हैं जोधपुरी फटार वगैरह पत्थर, वो जोधपुरी पत्थर यहाँ से जाता है, यहाँ से कटिंग वगैरह चल रही है, मशीनें वगैरह ट्रैक्टर वगैरह। और यहाँ से अभी शाम हो गई है तो व्यू भी काफ़ी अच्छे, लाइट वगैरह शहर की तरफ बहुत अच्छी आ रही है। फिर अभी निकलते हैं, शायद कल फिर आएंगे। तो अभी यहाँ पर शाम के बज गए 7, और अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है, और यहाँ पर अभी भी काफ़ी लोग घूम रहे हैं। वहाँ पर भी मतलब 5-6 लोग थे, बाकी आई थिंक सारे लोग नीचे आ गए हैं क्योंकि अभी रात वगैरह हो गई है ना इसीलिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।